हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस वाले पे। तो गाइस, हम हैं डिफेंस वाले, हमारे तो खून में ही देशभक्ति है भाई। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं चैप्टर मैट्रिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, मैट्रिक्स चैप्टर का आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं करवा चुका हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे ऊपर। और एक खुशखबरी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जल्दी अपनी ऐप भी हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, डिफेंस वाले के नाम से। तो है ना खुशखबरी की बात यार, कि जल्दी अपनी एप्लीकेशन भी लॉन्च हो जाएगी, ठीक है, जिसके ऊपर हम लाइव सेशन स्टार्ट कर देंगे। ओके, इस पे हम भी आपको मैं रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, है ना। तो उस एप्लीकेशन पे हम लाइव सेशन स्टार्ट कर देंगे और साथ के साथ आपको पूरा बैच कोर्स भी मिल जाएगा। तो एनडीए मैथमेटिक्स करवा रहा था मैं आप लोगों को। आप सभी को पता है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर मैट्रिक्स चैप्टर से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन तो 100% आते ही आते हैं भाई। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी चैप्टर है यार, इसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, डेफिनेशन बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक्स के। तो पूरा कंसेप्ट मैं आपको करवा चुका हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो भाई हम बैठे हैं, हमारे से पूछो बिंदास होकर। तो स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक बार लाइक बटन दबा दो, अगर एक चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ के साथ बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहेगा अगर आप लोगों ने बेल आइकन दबा लिया। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए गाइस, ये कहता है कि सपोज पी एंड क्यू आर टू डिफरेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×n एंड n×p। मतलब कि पी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपको दे रखा है 3×n, क्यू एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपको दे रखा है n×p, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स p×q। ये कहता है कि p×q का ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करते हैं तो उस केस में फर्स्ट का कॉलम दूसरी की रो के इक्वल होना चाहिए। तो देख लो, फर्स्ट पी का कॉलम दूसरे की रो के इक्वल है, तो पीछे बचा के यहाँ 3 बचा और यहाँ क्या बचा, पी। तो इसका मतलब ये होगा कि इनकी प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर 3×p होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो गया, है ना, बिंदास क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, क्या मजेदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू। ये कहते हैं इफ ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m×n, ए जो है वो एक मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की, m×n ऑर्डर की। बी इज ए मैट्रिक्स, बी एक मैट्रिक्स है सच दैट, हमें पता नहीं कि किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है बी, सच दैट ए बी डैश एंड बी डैश ए बोथ डिफाइंड। मतलब ये कहते हैं कि बी बी का ऑर्डर मुझे पता नहीं है, बी का ऑर्डर तो मुझे निकालना है गाइस। तो बी को जो है मैं p×q मान लेता हूं। ये कहता है कि a×b का ट्रांसपोज जो है वो डिफाइंड है। तो देखिए, b का ऑर्डर मैंने p×q माना, तो इसका मतलब b ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, क्या होगा भाई, इसका उल्टा, q×p। अब एक बात बताओ यार, a×b ट्रांसपोज डिफाइंड कब होगा, जब a के कॉलम b ट्रांसपोज की रो के इक्वल हो। ए में कॉलम कितने एन, बी ट्रांसपोज में रो कितने क्यू, तो यहां से एन इज इक्वल टू क्यू आ गया, मतलब क्यू की वैल्यू जो है वो एन के इक्वल आ गई, ठीक है। दूसरा ये कहता है कि बी ट्रांसपोज इंटू ए डिफाइंड है, ये कहता है कि बी ट्रांसपोज इंटू ए भी डिफाइंड है, तो मतलब इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल होगा। बी ट्रांसपोज का कॉलम जो है वो ए की रो के इक्वल होगा, मतलब पी की वैल्यू आ जाएगी एम। तो हमसे पूछा है ऑर्डर किसका, बी का ऑर्डर पूछा है, तो बी का ऑर्डर हमने क्या लेके चले थे, हम p×q लेके चले थे, पी की वैल्यू एम, क्यू की वैल्यू एन, तो ऑर्डर आ जाएगा m×n, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, देख लो ये चीज मैंने बहुत ही बारीकी से तरीके से बताई थी आप लोगों को कॉन्सेप्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है मेहरा भाई क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में कहता है द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए दी हुई इज ए, आपको ये बताने की कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया, बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स है यार, 3×3 की। देख लो, डायगनल तो नहीं हो सकती क्योंकि डायगनल में 1 1 एलिमेंट, 1 2 2 एलिमेंट और 3 3 एलिमेंट होते हैं, जबकि यहां तो ये एलिमेंट्स दे रखे हैं। यूनिट मैट्रिक्स में तो डायगनल के एलिमेंट 1 1 1 होते हैं, नन ऑफ दिस तो है ही नहीं, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स है, सीधा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, ये कहता है एक मैट्रिक्स ए है किस ऑर्डर की, 2×2 ऑर्डर की, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे है, देन ए इज इक्वल टू। अरे भाई सिंपल है यार, 2×2 की मैट्रिक्स क्या होगी, ए वन वन, वन टू, टू वन और टू टू, है ना, तो ये आ गई 2×2 की जनरल मैट्रिक्स।
आई जे के बीच में रिलेशन दे रखा है कि वो किसके इक्वल होगा, आई प्लस जे के इक्वल होगा। तो वन वन निकाल लेंगे तो सही है, वन प्लस वन क्या आ जाएगा टू, वन टू निकालोगे तो क्या आएगा वन प्लस टू कितना आ जाएगा थ्री, टू वन निकालोगे तो थ्री, टू टू निकालोगे तो फोर। यहाँ वैल्यू ही तो पुट करनी है, सिंपल है। तो एलिमेंट मैट्रिक्स क्या बनेगी, मैट्रिक्स बनेगी टू थ्री थ्री फोर, ऑप्शन नंबर बी देख लो करेक्ट आंसर हो गया। क्या बात है, मजेदार क्वेश्चन। गाइज लाइक कर देना यार वीडियो को, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है, ये कहता है द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स जो है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी बताओ। ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। देखो तो मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो, मतलब टू एक्स प्लस में वाई यहां से सेवन के इक्वल आए, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड एलिमेंट मतलब वन टू एलिमेंट वन टू के इक्वल हो, तो फोर एक्स इज इक्वल टू सेवन वाई माइनस में थर्टीन, ठीक है। नेक्स्ट ये एलिमेंट इसके इक्वल हो, मतलब फाइव एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू वाई। नेक्स्ट यहां से ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो, तो यहां से तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, देख लो भैया ये इधर चला गया तो ये आया थ्री एक्स इज इक्वल टू सिक्स, एक्स की वैल्यू आई टू, ये एक्स की वैल्यू आप यहां पुट कर दो चाहे यहां पुट कर दो चाहे यहां पुट कर दो, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू टू पुट करेंगे तो ये वाई की वैल्यू आ जाएगी थ्री, तो एक्स हो गया टू वाई हो गया थ्री, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, करवाया था ना वैसी कंसेप्ट में कि ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मत लिख देना गलत, ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है ना। तो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ध्यान से देखिएगा, ए की प्रोडक्ट जब ए से करेंगे तो ए स्क्वायर आ गया सर, जब ए की प्रोडक्ट बी से करेंगे वो भी माइनस का, तो माइनस का ए बी आएगा, पहले ए है फिर बी है याद रखना, तो इसी ऑर्डर में लिखना है, फिर बी ए तो प्लस में सर बी ए आएगा और ये माइनस में सर बी स्क्वायर आएगा। तो ये जो मैट्रिक्स है इनकी जो प्रोडक्ट है वो इस टर्म के इक्वल होगी। तो यहां देख लो ये दोनों माइनस के, बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यहां देखो माइनस का ए बी और प्लस का बी ए आएगा, माइनस का ए बी और प्लस का बी ए आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और एक चीज मैंने ये भी बताई थी कि मैट्रिक्स में ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी इसका रिजल्ट अलग आता है, और ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी इसका रिजल्ट अलग आता है। दोनों का रिजल्ट मैंने बताया था, इसका रिजल्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ठीक है, प्लस का ए बी और माइनस का बी ए आता है, और इसमें ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी ए आता है। ये दोनों भैया ध्यान से देख लीजिएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर सेवन पे। क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या बोलता है, ये कहता है कि एक मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर आपका किसके इक्वल होगा, ए आपको गिवन है तो ए स्क्वायर निकाल लोगे क्या आएगा भाई, ए इंटू में ए, प्रोडक्ट ही करनी है मेरे भाई, प्रोडक्ट करोगे क्या आएगा भाई, यहां वन है सॉरी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ वन, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ करेंगे जीरो, तो फर्स्ट एलिमेंट तो वन ही आएगा। नेक्स्ट इसकी प्रोडक्ट इसके साथ जीरो, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ जीरो, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ जीरो, तो ये एलिमेंट जीरो आएगा। नेक्स्ट इसकी प्रोडक्ट इसके साथ जीरो, बाकी भी जीरो, तो ये एलिमेंट भी जीरो। सिमिलरली इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे जीरो, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे जीरो, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे जीरो। नेक्स्ट ये आएगा वन जीरो 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 वन, तो ये मेरे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, एक यूनिट मैट्रिक्स बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट पे, जो धुआंधार क्वेश्चन है, एकदम कतई जहर लेवल का क्वेश्चन। ये कहता है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स सच दैट ए इंटू बी इज इक्वल टू ए दे रखा है और बी इंटू ए इज इक्वल टू बी दे रखा है, देन बी स्क्वायर जो है वो आपका किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट मुझे दे रखे हैं, तो देखो बी ए इज इक्वल टू में बी दे रखा है, मैं दोनों सेट बी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां बी से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा और यहां बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर आएगा। मैंने
पोस्ट मल्टीप्लाई किया, पोस्ट का मतलब पीछे की तरफ मल्टीप्लाई। अब एक चीज देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे, क्या कि हमें जो है a इंटू बी, ए इंटू बी जो है वो a के इक्वल दे रखा है, तो ये b a इंटू बी की जगह मैं a यूज कर सकता हूं, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब दूसरी बात एक मजे की देखिए मेरे बच्चे, क्या कि बी ए की वैल्यू b दे रखी है, तो इस बी ए की जगह मैं b लिख सकता हूं, तो यहां से ये हुआ कि बी स्क्वायर की वैल्यू b के इक्वल आएगी। ऑप्शन नंबर a यहां हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये कहता है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए का जो स्क्वायर है वो ए के इक्वल है, देन आइडेंटिटी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस में 3a इज इक्वल टू, तो इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में a इंटू बी और प्लस में b इंटू ए, याद रखना यही आएगा, और माइनस में 3a, ये आएगा मेरे पास आइडेंटिटी का स्क्वायर, तो आइडेंटिटी होता है a का स्क्वायर, हमें a दे रखा है। अब आप सभी को पता है a इंटू आइडेंटिटी a के इक्वल आएगा, आइडेंटिटी इंटू ए वो भी ए आएगा, और माइनस में 3a, यहां देखो a प्लस ए प्लस ए 3a और ये भी माइनस में 3a, तो ये कैंसिल होके सारे क्या हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी, ऑप्शन नंबर a आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत ही सिंपल है। अरे ऐसे क्वेश्चन तो हम ऐसे चुटकियों में कर देते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, ये कहता है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस में बी ए इज, ये कहता है कि ए और बी सिमेट्रिक है, ए और बी सिमेट्रिक मतलब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, देन आपको बताना है कि ये जो मैट्रिक्स रहेगी वो सिमेट्रिक रहेगी, स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी, डायगोनल रहेगी, नन ऑफ दीज। अब निकाल लेते हैं भाई, क्या ए बी माइनस में बी ए का होल ट्रांसपोज करते हैं, और माइनस में तो अलग अलग लिख सकते हैं, आप लिख लो ए बी का ट्रांसपोज माइनस में बी ए का ट्रांसपोज, अलग अलग ट्रांसपोज लिख सकते हो, प्रोडक्ट में जो अलग अलग ट्रांसपोज लिखेंगे तो ये बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज आ जाएगा, माइनस में इसका अलग अलग लिखो वो पहले ए आ जाएगा फिर बी आ जाएगा। अब गिवन है कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी का ट्रांसपोज बी के, तो ये बन जाएगा बी ए माइनस में ये बन जाएगा ए बी, माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लेने के बाद ए बी माइनस में बी ए, यहां से देखो इस टर्म का ट्रांसपोज जो है इसकी नेगेटिव के इक्वल आ गया, क्या डेफिनेशन यही होती है कि अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक, वैसे ही इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया तो ये क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, तो ऑप्शन नंबर बी यहां हमारा एकदम धुआंधार तरीके से करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज, दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम क्या होता है, सीधी सी बात है सर, दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा सर, लेकिन सर थोड़ा सा एग्जांपल लेके भी हमें कुछ बता दो, एक मैट्रिक्स ए है जो स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है, एक मैट्रिक्स बी है जो स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब बी का ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल है, ए और बी मैंने दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान ली, ठीक है। अब कहता है कि इन दोनों का सम, मतलब मैंने क्या किया, ए एंड बी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान ले, ये कहता है कि इनका सम भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा, है ना, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, अलग लिखेंगे ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है, बी का ट्रांसपोज माइनस बी के, माइनस कॉमन लो तो ए प्लस बी, तो देख लो इनका सम जो है इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया तो क्या हो गया, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, तो सिंपल सी बात थी यार कि दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम भी स्क्यू सिमेट्रिक होता है, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम भी सिमेट्रिक होता है, दो डायगोनल मैट्रिक्स का सम भी डायगोनल होता है, ठीक है, क्लियर मेरी बात, दो स्केलर मैट्रिक्स का सम भी स्केलर होता है और दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सम आइडेंटिटी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो टू बन जाता है ना, आई प्लस आई वन प्लस वन टू हो जाएगा, बाकी चीज तो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 गाइस, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, देन आपको इसकी वैल्यू पूछिए किसके इक्वल हो गया,
तो यहाँ ए माइनस, यहाँ आइडेंटिटी आ गया। अगर आइडेंटिटी आ गया इसका मतलब ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अगर आइडेंटिटी ना होता तब नहीं कर सकते, तब आपको फिर वो वन बाय वन करके प्रोडक्ट करके निकालना पड़ेगा ना। इसका होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये आएगा ए का क्यूब माइनस में बी का क्यूब माइनस में थ्री ए स्क्वायर बी और प्लस में थ्री ए बी का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली प्लस में इसका फॉर्मूला यूज करोगे तो ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब, ठीक है, और प्लस में थ्री ए स्क्वायर बी और प्लस में थ्री ए बी स्क्वायर और माइनस में सेवन इंटू ए। ठीक है, ए का क्यूब देखो हमें क्या कहता है कि ए स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल है, ए स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल है। दोनों साइड ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब किसके इक्वल आएगा, ए के, क्योंकि आपको पता है कि आइडेंटिटी इंटू में ए ए ही होता है ना। तो ए का क्यूब ए के इक्वल, आइडेंटिटी का क्यूब आइडेंटिटी, माइनस में ये है थ्री ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी रहेगा थ्री आइडेंटिटी, प्लस में ये आएगा थ्री ए क्योंकि वो आइडेंटिटी हो गया, ए का क्यूब ए प्लस में आइडेंटिटी प्लस में थ्री आइडेंटिटी, क्यों ए स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी है इसलिए, और प्लस में थ्री ए और माइनस में सेवन ए। यहां देखो ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, थ्री ए प्लस में ए फोर ए प्लस में फाइव ए और प्लस में ये करेंगे कितना आ जाएगा भाई, फाइव ए प्लस में थ्री ए कितना एट ए, एट ए माइनस में सेवन ए इज इक्वल टू ए आ जाएगा। तो इसको सोल्व करने पर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये कहता है द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 विद ईच एंट्रीज 2 और 1। कितने एंट्रीज दे रखी है, मतलब हर एलिमेंट या तो 0 होगा या 1 होगा, मतलब सिर्फ दो ही एलिमेंट की बात कर रहा है, या तो 0 या 1। कितने एलिमेंट की बात कर रहा है, दो एलिमेंट की। और जो मैट्रिक्स बनेगी किस ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की, इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 6 एलिमेंट आएंगे। कितने एलिमेंट है, यूज कितने करने हैं, सिर्फ दो एलिमेंट या तो 0 या 1, दो एलिमेंट यूज करने हैं। और टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, 6, तो 2 की पावर 6, तो मतलब 64। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जितने एंट्रीज दी हुई हो, दो एंट्रीज हैं, तीन एंट्रीज हैं, चार एंट्रीज हैं, उसकी पावर जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो, मतलब उस जो मैट्रिक्स के मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे वो, तो 2 क्रॉस 3 में 6 एलिमेंट रहेंगे, सिर्फ दो एंट्रीज है या तो 0 या 1, तो 2 की पावर 6 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये कहता है ए गिवन है, ये कहता है ए और ए का ट्रांसपोज इक्वल है, देन आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। ए जो है वो इक्वल है ए के ट्रांसपोज के इक्वल, मतलब 5x और y 0 के। ठीक है, तो यहां से एक ए जो है ए के ट्रांसपोज के इक्वल है, तो x और y की वैल्यू आपको बतानी है। तो फर्स्ट रो देखो, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल, तो x इज इक्वल टू y आ गया। नेक्स्ट ये एलिमेंट इसके इक्वल, तो y इज इक्वल टू x आ गया। तो यही है क्या रिजल्ट आएगा कि x की वैल्यू y के इक्वल होगी, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ये तो एकदम पप्पी लेवल क्वेश्चन था यार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये कहता है ए और ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी के इक्वल, आई टू का मतलब 2 क्रॉस 2 के इक्वल। तो ए क्या दिया हुआ है, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, साइन थीटा और प्लस में कोस थीटा। ठीक है, और प्लस में इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या आएगा, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, साइन थीटा और ये कोस थीटा, किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के 1001 के इक्वल है। ऐड अगर आप करोगे इन दोनों को, ऐड करोगे तो ये आएगा 2 कोस थीटा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये आएगा 2 कोस थीटा, किसके इक्वल आएगा, 1001 के। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, तो कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया, 1 आया। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या है, कोस 1 किस केस में होता है मेरे भाई, कोस कोस जो रहता है वो आपका कौन से क्वाड्रेंट में, सॉरी कौन से वैल्यू पे 1 होता है, 1/2 आएगा, सॉरी या 2 है ना, हाँ, तो कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू 1/2 किस पे होता है, 60π/3 है ना, किस पे आ गया, π/3 पे। और आपको पता ही है कि जब कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई हो, तो एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 2nπ प्लस माइनस वाई, तो वाई की वैल्यू क्या है, π/6, तो 2nπ प्लस माइनस π/3, π/3 आई थी, ऑप्शन नंबर सी आ गया हमारा करेक्ट आंसर। जनरल सॉल्यूशन होता है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये कहता है एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, देन एफ ए की वैल्यू क्या होगी अगर आपको ए गिवन है। तो एफ ए मतलब आपको निकालना है ए का स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 6। देखो मेरे बच्चे, आप इस पूरे बड़े क्वेश्चन को निकालने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया है, इसलिए दिया था क्योंकि आप लोगों को एक चीज पता लगे कि अब आपको ये पूरा एफ ए निकालना है यार। एफ ए निकालोगे तो मतलब ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, ऐड करो, कितना बड़ा हो जाएगा, है ना, सिक्स आइडेंटिटी। तो आप क्या करो, ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर का सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट निकालो, है ना। ए आपको गिवन है, देखो क्या दिया है, 201 213। ध्यान से देखना, पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन आपको करने की जरूरत है ही नहीं। ये आया माइनस में 5 into a, माइनस में a को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ आप ये दो एलिमेंट लिखो, प्लस में 6 into identity, ये दो एलिमेंट लिखो, ठीक है। अब इनके प्रोडक्ट करोगे, फर्स्ट रो की प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम से, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे 4, प्लस में ये करोगे 0, प्लस में 1। तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, प्रोडक्ट करने के बाद आएगा 5, फर्स्ट एलिमेंट ये आया। फिर माइनस में यहाँ लिखो 5, फिर माइनस में क्या दिया हुआ है 10, और प्लस में 6, तो एलिमेंट फर्स्ट बनेगा 1। मतलब इसको सोल्व करने पर जो फर्स्ट एलिमेंट वो 1 बनेगा। यहाँ क्या है 0, यहाँ क्या है 0, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ए और बी दो ऑप्शन डिलीट हो गए। अब आप निकालो सेकेंड एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0, और इसकी प्रोडक्ट जब इसके साथ करोगे माइनस 1। तो सेकेंड एलिमेंट मतलब प्रोडक्ट करने पर सेकेंड एलिमेंट आएगा माइनस 1, फिर माइनस में एक आएगा 0, फिर प्लस में एक आएगा 0, तो एलिमेंट आएगा माइनस 1। तो मतलब सेकेंड एलिमेंट आपका माइनस 1 आएगा, सेकेंड एलिमेंट माइनस 1 आएगा, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है 2, तो डी भी गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, मतलब क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पहले फर्स्ट एलिमेंट निकालो, इस पूरी टर्म का फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट से दो ऑप्शन डिलीट हो गए, फिर सेकेंड ऑप्शन एलिमेंट निकालो, सेकेंड ऑप्शन से हमारा तीसरा डिलीट हो गया, फिर एक बचा, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है द वैल्यू ऑफ ए बी सी व्हेन, आपको ये जो मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल दे रखी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मतलब ए इंटू ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए। तो ए आपको गिवन है, ए का ट्रांसपोज निकाल के दोनों के प्रोडक्ट जो है हम किसके इक्वल पुट कर देंगे, आइडेंटिटी के इक्वल, और वहां से हमारे पास वैल्यू आएगी ए बी सी की, ठीक है। तो ये क्या दिया है 0 2b c, ए बी माइनस का सी, ए माइनस का बी सी, इसकी प्रोडक्ट इसके ट्रांसपोज के साथ। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दो 0 2b c, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो का थर्ड कॉलम बना दिया, और इसकी जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी के इक्वल आएगी 100 010 001 के इक्वल आएगी, क्लियर। तो प्रोडक्ट करते हैं मेरे बच्चे, क्या आएगा फर्स्ट रो की प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम से, जब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे 0, जब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो 4b स्क्वायर, फिर इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे प्लस में c स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसके साथ करोगे तो 0, इसके साथ करोगे तो ये आएगा 2b स्क्वायर, और जब इसके साथ करोगे तो माइनस में c स्क्वायर, ठीक है। आप पहले दो ही एलिमेंट निकाल लो 100 010 001, ठीक है। आपको पता है फर्स्ट एलिमेंट ये फर्स्ट इसके इक्वल होगा, तो यहां से रिजल्ट आया 4b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आपको पता है कि ये सेकेंड एलिमेंट इसके इक्वल होगा, तो यहां से रिजल्ट आया 2b स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से 2b स क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर आया, तो c स्क्वायर की वैल्यू 2b स क्वायर यहां यूज कर लेते हैं, तो यह आया 4b स क्वायर प्लस में c स्क्वायर की जगह 2b स क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यह आया 6b स क्वायर इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। तो b की वैल्यू प्लस माइनस 1/√6 आएगी, मतलब b की वैल्यू ये गलत हो गई, यहाँ भी सही है और यहाँ भी ये, मतलब दो ऑप्शन तो डिलीट हो गए कि b की वैल्यू ये आएगी। अब b की वैल्यू मतलब यहाँ से बी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आएगी 1/6, बी स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पुट करो तो ये 2/6 इज इक्वल टू c स्क्वेयर, ये इससे कैंसिल होकर 3, तो c की वैल्यू आई प्लस माइनस 1/√3, तो c की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। तो इस ऑप्शन में 1/√2 है, तो a भी गया, तो ऑप्शन नंबर c बचा आपका, a के निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा b और c से आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19,
अब क्वेश्चन नंबर 19 में आपने गाइस वही आपको काम करना है ना, पूरा क्वेश्चन निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट एलिमेंट निकालो। क्या निकालना है? ए का क्यूब। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना है, आप सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट निकालना, ठीक है, 0 1 0 0 0 1 पी क्यू आर इंटू में 0 1 0 0 0 1 पी क्यू आर इंटू, पहले ए का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसके इसके साथ इसके इसके साथ इसके इसके साथ, तो जीरो आएगा, ठीक है। आप देखो आपको पता है ए क्यूब निकालना है, तो फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो आप क्या करो इसका पूरा एक कॉलम निकाल लो, ये वन वन एलिमेंट निकाल लिया, फिर इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, तो ये आएगा पी। नेक्स्ट इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, यहाँ आएगा आर पी। तो मेरे पास ए स्क्वेयर की जो फर्स्ट कॉलम है वो मेरे पास ये आएगी, यही आएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट इसलिए निकाला क्योंकि मैं सिर्फ एक ही एलिमेंट निकालना चाहता हूँ, ठीक है। अब ए का क्यूब निकालना है, ए क्यूब का मतलब है कि ए की प्रोडक्ट ए स्क्वेयर से, तो ए की फर्स्ट रो लिखो और इसकी फर्स्ट कॉलम, क्योंकि वन वन एलिमेंट से ही है सिर्फ, और इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, इसकी इसके साथ करेंगे जीरो, इसकी इसके साथ करोगे पी, इसके साथ करोगे जीरो, तो मतलब ए क्यूब का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका पी आएगा। फिर माइनस में ए स्केयर ये रहा, इसको आर से माइनस आर से, मतलब माइनस में आर इंटू में ए स्केयर का फर्स्ट एलिमेंट जीरो, माइनस में क्या हो इंटू में ए का फर्स्ट एलिमेंट भी आपका जीरो। देखो ये क्या आएगा, पी माइनस में आर इंटू जीरो, जीरो माइनस में, तो आपको यहां से पता चला ना फर्स्ट एलिमेंट क्या है, पी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू इंटू आइडेंटिटी का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, आर इंटू आइडेंटिटी का फर्स्ट एलिमेंट आर होगा, तो पी इंटू आइडेंटिटी का फर्स्ट एलिमेंट पी होगा, ऑप्शन नंबर पी आपका करेक्ट आंसर होगा, सिंपल, ऑप्शन नंबर ए सॉरी। तो देखो पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट एक एलिमेंट से हमने कर लिया क्वेश्चन को सॉल्व, पूरा करना चाहते हो पूरा कर सकते हो, ए क्यूब निकालो, ए स्क्वायर निकालो, ए निकालो, इनको ऐड करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ए आपको गिवन है, आइडेंटिटी आपको गिवन है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एन ग्रेटर देन वन, पहले एन को वन पुट करो, एन को वन पुट करोगे तो यहाँ ए की पावर वन इज इक्वल टू टू, टू इंटू ए, एन को वन पुट करना ना, टू की पावर जीरो वन हो जाएगा, यहाँ बचेगा ए और ये जीरो, तो सारी टर्म देख लो एन को वन पुट करने पर सारी जो है वो इक्वल आ रही है, लेफ्ट साइड और राइट साइड सारी इक्वल आ रही है, तो मतलब ये कि एन इज इक्वल टू वन पुट करने पर हमारी दाल नहीं गली अभी तक, मतलब एन इज इक्वल टू वन पुट करने पर हमारा आंसर हम रिजल्ट पे नहीं पहुंचे हैं। तो क्या कर लें सर, एन को टू पुट कर ले मेरे भाई, एन को टू पुट कर लेते हैं, एन को टू पुट करते हैं, ठीक है। तो यहां आएगा, ये कहता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू, टू पुट करोगे तो टू माइनस वन वन होगा, तो ये आएगा टू ए प्लस में आइडेंटिटी, पहला केस ही आया, देखते हैं कि क्या ए इसको सेटिस्फाई करता है, अगर ए इसको सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। आपको वन बाय वन करके चेक करना पड़ेगा मेरे बच्चे, ठीक है, 1 0 1 1 इंटू में 1 0 1 1 प्रोडक्ट करते हैं, ये आएगा फर्स्ट रो की प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम से, ये फर्स्ट आए वन आएगा, फिर ये जीरो, ये भी जीरो आएगा, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ वन प्लस में वन कितना आएगा, ये टू, ये जीरो और ये वन, ए स्क्वायर की वैल्यू ये आई। अब देखते हैं टू ए माइनस आइडेंटिटी, तो ये आएगा टू जीरो जीरो टू माइनस में आइडेंटिटी 1 0 0 1, माइनस करते हैं बच्चे, ये आएगा 1 0 2 1, देख लो दोनों रिजल्ट इक्वल आए, एन इज इक्वल टू टू के लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया, बाकी भी चेक कर लेना, बाकी भी चेक कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ये कहता है कि 3a इज इक्वल टू हमें गिवन है, a इंटू ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी के इक्वल है, देन x प्लस वाई क्या होगा, तो मतलब आपको x प्लस वाई निकालना है, 3a गिवन है तो 3a का ट्रांसपोज अगर करेंगे, आपको पता है कॉन्स्टेंट का तो ट्रांसपोज होगा नहीं, तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो 1 2 2 2 1 माइनस 2 x 2 y, इसकी और इसकी प्रोडक्ट करोगे तो 3 × 3 9 हो गया, और ये आ गया a इंटू ए का ट्रांसपोज, यह आएगा 1 2 2 2 1 माइनस 2 x 2 y इंटू में, ये क्या आएगा मेरे पास 1 2 x 2 1 2 2 माइनस 2 y, प्रोडक्ट कर लेना, आपको सारे एलिमेंट नहीं निकालने, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको सारे एलिमेंट नहीं निकालने, आपको सिर्फ फर्स्ट
वही एलिमेंट निकाल लेना जिसमें आपका एक्स आता है ना। जैसे आपको पता है कि फर्स्ट रो की प्रोडक्ट जब फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो इसमें कहीं एक्स नहीं आएगा, फर्स्ट रो की प्रोडक्ट जब इसके साथ करेंगे तब यहाँ भी कोई एक्स नहीं आएगा, लेकिन जब फर्स्ट रो की प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो क्या इसकी प्रोडक्ट इसके साथ एक्स, और इसकी प्रोडक्ट इसके साथ प्लस में फोर, और इसकी प्रोडक्ट इसके साथ प्लस में टू वाई। और याद रखना मल्टीप्लाई, ये ए इंटू ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई नाइन है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा और डिवाइड बाय नाइन इज इक्वल टू टू क्रॉस थ्री की आइडेंटिटी, मतलब 1000100 किसके इक्वल आएगा, कौन सा एलिमेंट निकाला है, फर्स्ट रो थर्ड 13 एलिमेंट मतलब जीरो के इक्वल आएगा। तो यहां से एक्स प्लस में टू वाई इज इक्वल टू माइनस फोर, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली आप ये देखो ना कि इस की प्रोडक्ट इसके साथ कर देते हैं डिवाइड बाय नाइन, वो किसके इक्वल होगा, जीरो के, वहां से दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, बात खत्म, सीधी सी बात है, एक्स प्लस वाई का आंसर आ जाएगा यार। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो आप सभी कर ही सकते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 22 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कर लोगे, मैट्रिक्स एक्स बतानी है और मैट्रिक्स वाई की वैल्यू बतानी है, दो मैट्रिक्स गिवन है यार, सिंपल है, एलिमिनेशन मेथड से करना है। क्वेश्चन नंबर 23 भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही है अगर आपने करा हो तो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स अगर आपको गिवन है देन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो एफ एक्स प्लस इंटू में एफ वाई के इक्वल आएगा, सेम हूबहू डिटो कॉपी है एनसीईआरटी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है क्वेश्चन नंबर 24 में कि ए आपको गिवन है, बी आपको गिवन है, सी आपको गिवन है, ओमेगा क्यूब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ए प्लस बी इज इंटू में सी इज इक्वल टू, सबसे पहले a प्लस बी करते हैं, a प्लस बी अगर आप करते हो ना गाइज तो ये क्या आएगा, 1 प्लस में ओमेगा, क्या आएगा भाई, 1 प्लस में ओमेगा, नेक्स्ट आएगा ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर, नेक्स्ट आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये आएगा हमारा ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा 1 प्लस में ओमेगा, यहाँ आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा, यहाँ आएगा 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर और यह आएगा ओमेगा प्लस 1, ठीक है, और इसकी प्रोडक्ट में मेरे पास बच्चे दे रखे हैं C, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आप सभी को पता है प्रॉपर्टी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस का ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का ओमेगा, इन तीनों वैल्यूज का यहाँ यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू माइनस 1, इसकी वैल्यू माइनस का ओमेगा, इसकी वैल्यू माइनस का 1, इसकी वैल्यू माइनस का ओमेगा, ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा माइनस 1, ये माइनस का ओमेगा और ये आएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर और ये क्या आएगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। प्रोडक्ट करते हैं मेरे बच्चे, सिंपल है, फर्स्ट रो की प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम से, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ ओमेगा स्क्वायर, वो भी माइनस का, फिर इसकी प्रोडक्ट इसके साथ माइनस का ओमेगा, जब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो ओमेगा क्यूब आएगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली नेक्स्ट, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, जब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे माइनस 1, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा की पावर 4 आएगा, ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू ओमेगा होती है तो माइनस में ओमेगा। सिमिलरली माइनस 1 माइनस ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, देख लो अभी अभी किया था कि इन तीनों का सम 0 होता है, माइनस कॉमन लेने पर तो ये 0 0 0 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यार, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 25 ये कहता है ए आपको गिवन है, बी आपको गिवन है, देन ए इंटू बी आपको बताना है मेरे भाई क्या आएगा। पहले आप क्या करो, फर्स्ट रो की निकाल के देख लो, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से प्रोडक्ट करके देखो, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो ए बी सी, और जब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो माइनस में ए बी सी आएगा, देख लो यार, बी बी सी मतलब ए बी सी ये इससे कैंसिल होके 0, मतलब फर्स्ट एलिमेंट 0 आएगा, इसका मतलब बी और सी आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता, आइडेंटिटी में फर्स्ट एलिमेंट 1 होता है। सिमिलरली यार बाकी चेक कर लेना, सारे 0 ही आएंगे, ठीक है, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ इसके करोगे वो भी 0, ये भी 0, सारे 0 आएंगे, सारे के सारे 0 आएंगे, मतलब 3x3 की 0 मैट्रिक्स बनेगी, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे, क्लियर। तो ये हमने कर लिया पूरा क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चन इसके मैंने आप लोगों को करवा दिए, ठीक है। एंड मैं आपको बता देता हूँ अगेन कि जल्दी हमारी एप्लीकेशन लॉन्च होने वाली है,
जिसके अंदर मैं आप लोगों को फुल कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा एनडीए का, फुल पूरा सिलेबस मिल जाएगा, मतलब एक से लेके जेड तक, ठीक है। चैप्टर वाइज वीडियोस आपको मिल जाएगी, पीडीएफ्स मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा गाइस, ठीक है। और उस पर जल्दी हम लाइव सेशन भी उस पर स्टार्ट कर देंगे, इस पर यूट्यूब पर भी हमारा चलता रहेगा और लाइव सेशन हम वहाँ स्टार्ट कर देंगे एनडीए के लिए सिर्फ, ठीक है। सिर्फ एनडीए का बैच स्टार्ट करूंगा मैं अपने एप्लीकेशन पे, बाकी एयरफोर्स का फिलहाल एक अभी के लिए एनडीए का लाइव सेशन अपन एप्लीकेशन पे स्टार्ट करेंगे, ओके। और इस पर वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना, क्लियर। इस पर रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो गाइज आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं, प्रवीण नांदेवाल के नाम से मेरी आईडी है, आप मेरे को रिक्वेस्ट भेज देना, एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। तो गाइज आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए, सच में दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी स्टूडेंट्स को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। ओके, अगेन धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।